गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून दीपक, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई आज बीच में ब्रेक हो गई। बिल्कुल, आज आपके गुड आफ्टरनून में मजा नहीं आया। गुड आफ्टरनून सर, अब आ रही है? गुड आफ्टरनून दीपक, आज एकदम टाइम से आ रहे हो आजकल। यस सर, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रनिंग 1 किलोमीटर। तो सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही, ये कैसे हो रहा? अभी देखेगी मेरी खूबसूरती। बच्चों, आपको रेशियो में जो लास्ट क्लास में समझाई थी कुछ बेसिक बातें, उसमें आपको कोई डाउट? नो सर। बच्चों और भी सुस्त हो जाओ, इससे भी ज्यादा सुस्त। कह रहा था रनिंग कर ले, सुनता ही नहीं कोई। बच्चों आप कॉफी पिया करो क्लास में आने से पहले। कॉफी? सब अपना अलग अलग दुखी है, ये बेचारा इसलिए दुखी है मैं रिकॉर्डिंग लगानी भूल जाता हूँ। दुखी सब है, सबके दिल के दर्द है सर, क्या कर सकते। कुछ ना कुछ दुख सबको है और हर किसी को ऐसा ही लगता है, मेरे दुख सबसे ज्यादा है। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता सर, मैं सबसे आराम से 10:30 सो जाओ, सुबह उठ जाओ। रेशियो का बेसिक ही होगा आज की क्लास में भी, फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम रेशियो चैप्टर के क्वेश्चंस। तो हाँ जी, जैसे आपने अलजेब्रा का पीडीएफ दे दिया था, ऐसे ही आप रेशियो का भी पीडीएफ दे सकते हैं क्या, या सब चैप्टर्स का ही बल्कि साथ के साथ? इतना टाइम नहीं मिलता ना मुझे, अलजेब्रा के बाद भी अभी कुछ रेडी नहीं है। अच्छा, तो आपको ये बनाने पड़ते हैं? आपने ऑलरेडी नोट्स नहीं बनाए हुए अभी जिससे पढ़ा रहे होते हैं आप? नहीं। ओके सर। ए अपॉन 6 इक्वल्स टू बी अपॉन 7 इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ए बी और सी का रेशियो बताओ कितना होगा? 6:7:8 अनिमेश, मॉर्निंग वालों बच्चों के पास 15 क्वेश्चंस बच रहे हैं, उनके वो 15 क्वेश्चंस हो जाए, दोनों का साथ ही हो जाएगा, एक या दो क्लास की बात हो रही है बस। देखो ए बी और सी का रेशियो यहां से कितना होगा, जो वैल्यू ए के साथ है वो ए की वैल्यू, जो बी के साथ है वो बी की वैल्यू, और जो सी के साथ है वो सी की वैल्यू। तो ए बी और सी का रेशियो कितना होगा? 6:7:8। एकदम इजी सी बात। अब देखो क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। ए अपॉन 3 इक्वल्स टू बी अपॉन 5 इक्वल्स टू सी अपॉन 2 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 2c अपॉन एक्स इक्वल्स टू, नहीं बस इतना ही, यहां से x की वैल्यू बताओ क्या होगी, फटाफट से यहां x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। नहीं अभी आपने कुछ भी मिस नहीं करा, और अगर कुछ मिस करा भी होगा तो एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएंगी, उसमें ऐसा क्या आपको दिक्कत।
19, very good, feeling proud. 19, 12, 11. गुड आफ्टरनून अमन 12. बच्चों और देख लो अभी कुछ रह गया हो तो, अभी तो हमारे पास है टाइम. तो क्या फाइंड आउट करना हमने? x की वैल्यू कर पाओगे फाइंड आउट? हाँ सर. नहीं, वेरी डिफिकल्ट टास्क. देखो x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? a प्लस बी प्लस टू सी. बच्चों ये भी सो चीप क्वेश्चन है. a की वैल्यू कितनी होगी बताओ? सर चार होगी x की वैल्यू. नहीं बस a के प्लेस पर अभी देखते हैं कितनी होगी. a के प्लेस पर पुट करो 3, b के प्लेस पर पुट करो 5, c के प्लेस पर पुट करो कितना? 2. 2 नहीं 4. 2 मल्टीप्लाई 2 तो x की वैल्यू कितनी होगी जीनियस बच्चों? 12. समझ आया बच्चों क्वेश्चन? तो ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे बोलो, ऐसे मतलब 1 a upon 3 की वैल्यू आपने बोला कि a is equal to 3 होगी, तो इन सब की वैल्यू मतलब x का भी x अगर डिनोमिनेटर में भी है तो भी उनकी वैल्यू वही होगी सेम? बिल्कुल. x से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा बताओ? ओके भाई, जब a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 2 है, तो सेम ऐसे ही a प्लस b प्लस 2c की वैल्यू क्या होगी? x. बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपको कहां दिक्कत आई होगी, जो आपके इतने सारे आंसर्स आए, इस क्वेश्चन में एक बहुत टफ कैलकुलेशन थी 2c. यही बस बच्चों यही तो एक कैलकुलेशन थी 2 मल्टीप्लाई 2. इसके अलग इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं थी. बात समझ आई बच्चों? अब एक और क्वेश्चन देखो आप. a अपॉन 2 इक्वल्स टू b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 5 इक्वल्स टू a प्लस b माइनस सी अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस 2c अपॉन वाई. यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई. x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताओ कितना होगा आंसर? 17 जीरो. बिल्कुल इसका आंसर तो देखो बता ही दो कम से कम. सबसे पहले देखो x की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस b माइनस c. और y की वैल्यू कितनी होगी? 2a प्लस b प्लस 2c. हमारे पास a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5. बस इन वैल्यूज को पुट करो आंसर आ जाएगा. देखो x की वैल्यू तो जीरो होगी, x की वैल्यू तो जीरो होगी, y की वैल्यू में आप चेक करो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 तो ये कितना होगा? y की वैल्यू होगी 17. तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा? 17. बताओ बच्चों बात समझ आई? समझ तो आपको खैर सब आ जाता है, बस फेल ही तो हो जाते हो आप. बताओ बात समझ आई बच्चों? अब ना आप फिर से एक रेशियो बताना. देखो हमारे पास है 2/3a इक्वल्स टू 5/4/5b.
इक्वल टू वन अपॉन टू सी। यहाँ से सर ये ऊपर वाले में x इक्वल टू जीरो कैसे हो गया सर, ये तो वन होना चाहिए था। x इक्वल टू जीरो कैसे हो गया देखो, a के प्लेस पर पुट करो आप टू, बच्चा इससे ज्यादा मतलब कुछ नहीं हो सकता। b के प्लेस पर पुट करो आप थ्री, c के प्लेस पर पुट करो माइनस फाइव। अब इसके बाद आप कैलकुलेटर ओपन करो, जब आप टू और थ्री को ऐड करोगे तो फाइव आएगा, फाइव माइनस फाइव कितना होगा जीरो। ओके 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 सर समझ गया सर। ओके क्या तीन दूनी छह कर दिया था क्या मतलब बच्चे, ये तो बहुत इस बात में तो नो कमेंट्स। सर ये बहुत होता है पेपर में, करते करते ऐड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह। एग्जाम में जो भी होगा उसकी प्रैक्टिस यही कर लो। भाई देखो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ये टफ ही होगा ना, इसलिए तो सॉल्व नहीं हो रही है। इसमें भी बस हमारे पास एक ही पॉइंट तो था, इन दोनों को ऐड करना था, टू प्लस थ्री। बताओ यहां से ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, जो भी मेथड आपको पता है ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा। सर ए का हो जाएगा फोर बाय, सर ए का हो जाएगा एट बाय फाइव, और सर बी का हो जाएगा फोर बाय थ्री, और सी का हो जाएगा सिक्स बाय फाइव। वेरी गुड वेरी गुड भाई, बाकी सब भी ट्राई करो कुछ। यहां से ए बी और सी का रेशियो कितना होगा, देखो इस टाइप के तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे। बताओ कैसे फाइंड आउट करा रेशियो, जिनका आंसर है सिक्स फाइव और एट, सिक्स फाइव और थ्री भी है, सिक्स थ्री और एट। दीक्षा क्या एलसीएम लिया आपने बताओ, सिक्स फाइव एट। कोई बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करा, उमंग बताओ कैसे सॉल्व करा। तो मैं इसीलिए चुप थी, मेरा आंसर आया 20 रेशो 24 रेशो 15। सर ये 2 बाय 3 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ 3 बाय 2 हो जाएगा, पहले जैसे क्वेश्चन किए थे वही तो है ये। आप बताओ ना कैसे करेंगे, इसको ये बताओ। हाँ तो 3 बाय 2 इज टू 5 बाय 4 इज टू 2, एलसीएम ले लो 4 इनका, इनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इज टू 5 इज टू 8। देखो आपको ना फिर से बहुत ज्यादा माइंड का यूज करना नहीं था, आप ये बताओ 2 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा। बच्चों आप मत बताओ मैं बताऊंगा आपको, 2 4 और 1 का एलसीएम होगा 4। 2 4 और 1 का एलसीएम होगा 4, ये जो भी एलसीएम है इससे हर एक टर्म को डिवाइड कर दो। समझ आई बच्चों बात, एलसीएम लिया जो भी एलसीएम है उससे हमने हर एक टर्म को डिवाइड कर दिया। अब देखो हमारे पास कितना होगा, a अपॉन 6, b अपॉन 5, b अपॉन 5, c अपॉन 8। और ये कहानी तो हम कल से कर रहे हैं, जो वैल्यू a के साथ है वो a की वैल्यू, जो वैल्यू b के साथ है वो b की वैल्यू, और जो c के साथ है वो c की वैल्यू। बताओ बच्चों बात समझ आई जी सर। बाकी आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, आपको रेशियो ही फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे इजी मेथड तो यही है।
बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर कोई डाउट? बोलो बच्चों, देखो अब देखो आप रेशियोज को इक्वल करना। ए रेशियो बी है हमारे पास 1:2, बी रेशियो सी है हमारे पास 2:3। तो हमें यहां से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखो बात समझ लो पहले, जो भी टर्म हमारे पास दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, भाई एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है ए रेशियो बी है 1:2 और सेकंड इक्वेशन ये है बी रेशियो सी है 2:3। जो भी टर्म कॉमन है हमें कुछ भी नहीं करना, बस उस टर्म को इक्वल करना है। हमने ए और बी को नोट करा 1:2, उसके बाद बी और सी को नोट करा 2:3। अब देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन में बी कॉमन है तो हमें बी को इक्वल करना है। अब यहां तो हमारे पास ये जो b है ये पहले से इक्वल है, तो इसका मतलब a b और c का रेशियो कितना होगा 1, 2 और 3, क्योंकि यहां जो ये b है ये पहले से इक्वल है। ये आपको समझना है सबसे ज्यादा पूरे रेशियो में, अगर आपके एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा कोई समझने वाली बात है तो वो ये है। बताओ बात समझ आई? बोलो बच्चों, जो भी टर्म कॉमन होगी बस उसको आप इक्वल करोगे और आपका ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा। देखो यहां तो सब कुछ पहले से ही कॉमन था, अगर आपके पास कॉमन ना हो तब ए रेशियो बी है हमारे पास 2:3, बी रेशियो सी है हमारे पास 4:5, तो आप ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करो कितना होगा। देखो रेशियो को फाइंड आउट करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आपको एक बात अभी समझाई थी, जो भी टर्म दोनों में कॉमन है बस उसको आपको इक्वल करना है। ए 12 और 15, देखो अब बताओ इसके बाद आपने क्या करा, बताओ बच्चों। सर ऊपर वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को 3 से। बिल्कुल, तो ये दोनों इक्वल हो गए हमारे पास। आपने क्या करा, b हमारे पास दोनों में कॉमन है तो अब हमें b को इक्वल करना है। 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो सेम मल्टीप्लाई हमें 2 में भी करनी पड़ेगी। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो सेम मल्टीप्लाई हमें 5 में भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास कितनी होगी, a की वैल्यू 8, b को हमने इक्वल कर दिया 12 और c की वैल्यू कितनी होगी 15। तो यहां से a b और c का रेशियो कितना होगा 8, 12 और 15। बताओ बच्चों बात समझ आई? बोलो बच्चों, और बताओ आपने इस क्वेश्चन को किस मेथड से करा है? भाई हर एक बच्चे ने इसको ऐसे ही सॉल्व करा या फिर किसी और ने कुछ और भी दिमाग लगाया? बोलो सर, एक मेथड और पढ़ा था। हाँ जी बोलो, कोई तो बोलो, दोनों चले गए आप तो। सर जैसे ऊपर बी वाला था ना, बी में 3 तो सी में भी 3 रख लिया, और नीचे बी में 4 था तो ए के नीचे 4 रख लिया, मैंने वैसे किया था सर। ओके वो भी ठीक है, और बताओ किसी और ने इसको और किसी मेथड से? भाई सर सेम, मैंने दूसरे मेथड यूज किया था। बताओ, जो कि अभी सर हमने ए बी सी लिखे हैं ना सर, जैसे कि ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 और सी ब्लैंक है, तो सी का जगह में
इसका नेक्स्ट जो टर्म है उसको हम लिख देते हैं, जैसे कि थ्री, बी का वैल्यू थ्री है तो सी में हम लोग थ्री लिखेंगे और ए के नीचे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे फोर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। यही तो वही बोला था ना पुनीत, तो यही बोला था। हाँ बिल्कुल, आप सबका मेथड सही है। देखो सबसे अच्छा मेथड यही होगा, ये जो भी आपके पास ब्लैंक स्पेस है ना, इनसे पहले वाले टर्म इनमें फिल कर दो और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दो। सर हाँ बोलो, इसका कोई इजी मेथड नहीं है या फिर यही है जैसे आपने अभी सॉल्व किया? नहीं इसका ये है ना इजी मेथड, देखो हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, दोनों खाली हैं, तो बॉक्सेस से पहले वाली जो भी टर्म है इन बॉक्स में फिल कर दो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, नहीं मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ इसलिए मैंने पूछा। हाँ बताओ, अब समझ आ रहा? हाँ ठीक है। देखो इतने दुखी मन से कौन ठीक बोलता है भाई। देखो यहां से ना हमें ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस रेशियो फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन आप किस मेथड से करोगे? देखो हमारे पास ना दो बॉक्सेस ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं। अब इन दोनों बॉक्सेस में इनसे पहले वाले नंबर्स को आप फिल कर दो, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू होगी 12, बी की ए की वैल्यू होगी 8, बी की 12 और सी की 15। बताओ बच्चों बात समझ आई? बोलो बच्चों। ये तो अंदर से तो वैसे ये रेशियो में कुछ ज्यादा ही अलग से कंसेप्ट आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था अभी तक, क्या ही पढ़ रहे थे हम लोग। नहीं यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है ना थोड़े से, तो वो पढ़ने तो पड़ेंगे, लेकिन है रेशियो एकदम इजी। सर बस ब्लैंक की प्लेस पे वही जो कॉमन नंबर उसको मल्टीप्लाई उसको लिखना होगा। कॉमन नंबर नहीं, उससे पहले वाला जो भी नंबर है, जो भी ब्लैंक है उससे पहले जो भी नंबर होगा ना उसको फिल करना है। चलो इसी को फिर से देख लो, क्योंकि सर जो पहले पढ़ा था वो थोड़ा अलग था और ये मुझे थोड़ा अलग लग रहा था इसलिए मैंने पूछा था आपसे। नहीं ये दोनों बातें अलग है, वो परसेंटेज था या रेशियो है तो दोनों अलग ही, वो अलग कॉन्सेप्ट था या अलग कॉन्सेप्ट है। सर लेकिन फोर से पहले फोर कहाँ है? ये क्या है? तो आप तो बोले पहले ही वाला नंबर। हाँ तो इधर से देखो ना, इधर से तो यही पहले होगा ना। अच्छा मतलब ओके, जो भी उससे पहले नंबर हो बस उसको हमें फिल करना है। देखो अब आपने इसको ट्राई करो तब आप समझ जाओगे, उसके बाद सेम हम ए बी और सी डी के लिए देखेंगे, उसके बाद आप कुछ भी करते रहना सब आप कुछ आप समझ जाओगे। A, B, C, D, E, F, कहीं तक भी करना। देखो यहां भी हमारे पास सेम दो प्लेस ऐसे हैं जो ब्लैंक है, बस जो भी इन ब्लैंक स्पेस से पहले वाला नंबर है उसको यहां फिल कर दो एंड इनकी मल्टीप्लाई करो। A, B और C का रेशियो आ जाएगा 21, 35 और 20। बताओ बच्चों बात समझ आई? देखो हमें एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस में हमें इसी को अप्लाई करना है, हमें ए बी गिवन होगा, बी सी गिवन होगा, उसके बाद ए बी और सी की इनकम गिवन होगी, तो आपको फाइंड आउट करना होगा इसमें से ए की इनकम कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है, तो वहां हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। करो ट्राई और बताओ आंसर कितना होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सी तक ही आए,
कहीं तक भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम डी से ज्यादा नहीं आएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा जो आप कर ही ना पाओ। यहां से आपको ए बी सी और डी का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा? जो भी आपके पास ब्लैंक स्पेस है उससे पहले वाला नंबर आप वहां फिल कर दो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 30, 45, 60, 72। उसके बाद इनको 3 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जी सर। देखो सबसे पहले आप ब्लैंक स्पेसेस बना दो, 10, 15, 20, 26 लास्ट में क्या बोला राधिका? 24। अब ठीक है, देखो हमारे पास इतने ब्लैंक स्पेसेस हैं, जो भी इनसे पहले वाले नंबर हैं उनको यहाँ फिल कर दो। देखो यहाँ आएगा 3 और 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ 3, 5 और 5। बस अब इनकी मल्टीप्लाई करो, ए बी और सी का रेशियो आ जाएगा 30, 45, 60, 72। अब आप ये बताओ कोई ऐसा नंबर है जो इन चारों टर्म को डिवाइड कर दे, बोला करो बच्चों। 3 तो से डिवाइड कर दो, 10, 15, 20 और 24। ए बी सी डी का रेशियो होगा 10, 15, 20 और 24। देखो पूरा चैप्टर इसी पे बेस होगा, ए बी गिवन होगा, बी सी गिवन होगा, एक्स वाई गिवन होगा, वाई जेड गिवन होगा, वहां से हम पूरे चैप्टर में रेशियो फाइंड आउट करेंगे बस। इसलिए इसको आज की क्लास में और समझ लो, नेक्स्ट क्लास से फिर रेशियो स्टार्ट होगा। देखो अगर हमारे पास है ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3:4 और उसके बाद है सी रेशियो ए प्लस बी इक्वल्स टू 2:9, हमें यहां से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या होगा बताओ कितना होगा? बताओ बच्चों ए बी और सी का रेशियो क्या होगा? 6, 8 और 36। वेरी गुड। और बताओ बच्चों कितना होगा? भाई जो भी टर्म कॉमन है बस उसको इक्वल करना है रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। नहीं आपकी वॉइस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है सर। अब आई है। वो एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि ए रेशो बी रेशो सी लिखा है, ए रेशो बी रेशो सिक्स है वो? ए रेशो बी रेशो सिक्स। ओके। टेक्निकल इशू। बताओ दीपक कितना होगा? टेक्निकल इश्यू बाद में बताओ, ए बी और सी का रेशियो। बोलो बच्चों कोई तो बताओ, कुछ तो बताओ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे क्या आप इक्वल नहीं कर पा रहे? सर 27, 36, 14। बिल्कुल
भाई जो भी टर्म दोनों में कॉमन है बस उसे इक्वल करना है, इसमें इतने परेशान क्यों हो जाते हो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 7। फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू है 7, सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी की वैल्यू है 9, तो बस आपको इन दोनों को ही तो इक्वल करना है। a की वैल्यू कितनी होगी 27, b की वैल्यू कितनी होगी 36, c की वैल्यू कितनी होगी 40। बताओ बच्चों बात समझ आई। देखो जो भी दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल करना है, चाहे वो a कॉमन हो, b कॉमन हो, या फिर a प्लस b कॉमन हो, या फिर a प्लस b प्लस c भी कॉमन हो, बस जो कॉमन है उसको इक्वल करना है। जल्दी किस बात की थी सत्यार्थ वो बताओ। तो मुझे नहीं समझ आया। तुम्हें समझ नहीं आया, अभी आएगा। देखो अब आप उमंग ये बताओ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कौन सी टर्म हमारे पास कॉमन है, क्योंकि जो कॉमन है उसे इक्वल करना है। सर a प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 7। सेकंड इक्वेशन में a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 9। 7 और 9 को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 में 7 से, यही तो करेंगे ना। उसके बाद ए बी और सी को 9 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा 27, 9 की मल्टीप्लाई 4 में करो कितना होगा 36, उसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा 14। ए बी और सी का रेशियो आएगा 27, 36 और 14। बताओ उमंग समझ आया? यस सर। पक्का सर? आ गया, आई गया। नहीं बताओ क्या समझ नहीं आया? नहीं मतलब आ गया सर, ऐसे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या नहीं समझ आया, बहुत अजीब था, मतलब आ गया, आ गया। बहुत अजीब था, क्या अजीब था भाई? दीपक तुम्हें समझ आया? सर 100%। बिल्कुल फिर ठीक है, पर सर आपके सॉल्यूशन नहीं पूछना, मेरे समझ अलग से यार। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे रेशियो में भी और टाइम एंड वर्क में भी। अब आप यहां से बताओ ए बी और सी का रेशियो कितना होगा, जो भी दोनों में कॉमन है बस उसको इक्वल करना है, इसमें इतने परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। बताओ बच्चों कितना होगा ए बी और सी का रेशियो? बच्चों कोई तो बताओ, इतना डिफिकल्ट है क्या ये? अच्छा आप ये बताओ दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, ये जो हमारे पास 728 35। सबसे पहले आप ये बताओ दोनों इक्वेशन में हमारे पास कॉमन क्या है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टर्म कॉमन हो, ए ए और बी भी कॉमन हो सकते हैं, ए प्लस बी भी कॉमन हो सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी कॉमन हो सकते हैं। अब आप ये बताओ दोनों इक्वेशन में हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों में कॉमन है। सर ए प्लस बी प्लस सी।
बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू है हमारे पास वो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी की, और ये जो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू है ये वैल्यू भी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की है, तो दोनों वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की है, तो बस दोनों को कॉमन कर दो। उमंग ये भी ज्यादा अजीब था, समझ आया? सर सारे कैसे प्लस हो गए? क्योंकि दोनों इक्वेशन में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है भाई, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी, दोनों इक्वेशन में हमारे पास वैल्यू तो हमें a प्लस बी प्लस सी की गिवन है, तो बस जो भी कॉमन है उसको इक्वल करना है, यहाँ पर सब कुछ ही कॉमन है। अब देखो इक्वल कैसे करोगे, अच्छा मैं समझ गई, बताओ क्या समझे आप? तो मतलब ऊपर वाले को सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, और नहीं शायद मैं नहीं समझी, हाँ c की वैल्यू आ जाएगी 60, और ऐसे ऐसे करके मतलब निकाल लेंगे, मैं निकालती हूँ। बिल्कुल बच्चों, और भी ज्यादा दुखी हो जाओ, इससे भी ज्यादा परेशान हो जाओ, बताओ फाइंड आउट करो, बताओ कितना होगा। थ्री फोर और फाइव, बिल्कुल मनु एकदम पूर्वी, 3, 4 और 5। उमंग कितना आएगा आंसर? नहीं आया, मतलब मैं अभी भी कर रही हूँ ट्राई, मैं इतना तो ट्राई करना ही नहीं था। देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये बताओ a प्लस b प्लस c की वैल्यू का सम तीनों का सम कितना है? 4। सेकंड इक्वेशन में a प्लस b प्लस c तीनों का सम कितना है? 12। तो बस इन दोनों को इक्वल ही तो करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 12 हो गए। अब देखो a की वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद c की वैल्यू है हमारे पास 5। भाई a b और c तीनों की वैल्यू का सम है 12, इसमें से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, तो सॉरी c की वैल्यू है 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 4। a b और c का रेशियो होगा 3, 4 और 5। बात समझ आई बच्चों कुछ? नहीं सर। देखो नहीं सर, सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो। आप ये बताओ सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? अब सब बच्चे बताओ। सर ए और सी, ए और सी कॉमन है, बी कॉमन नहीं है दोनों में? सर तीनों कॉमन है, बी भी है, तीनों कॉमन है, तीनों कॉमन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन में हमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू गिवन है, अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी होगी अगर आप तीनों को ऐड करो? 4। सेकंड इक्वेशन से जब आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 12। भाई आपको इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है, अगर आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये दोनों इक्वेशन 12 हो गई आपके पास। हाँ जी, जो भी कॉमन है बस उसी को इक्वल करना है। बताओ यहाँ तक बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब देखो आपने फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करी, तो अब इस 3 की मल्टीप्लाई आप 1 में भी करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करो तो a का रेशियो कितना आएगा हमारे पास? 3। सेम ऐसे ही आपने सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करो तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 5। बताओ यहां तक समझ आई बात? जी सर। देखो a प्लस बी प्लस सी
तीनों का सम कितना था 12, भाई ए बी और सी तीनों का सम कितना था 12, इसमें से ए की वैल्यू है हमारे पास 3, सी की वैल्यू है 5, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 4। भाई बात समझ आ रही है? यस सर क्लियर है। सर तो इसमें वैसे एक चीज गलत नहीं हो गई, जैसे ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू हमें 1:3 दी हुई है और हमने फाइंड आउट किया कि ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5, तो बी प्लस सी की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग तो 9 आ रही है और इसमें रेशियो में, अच्छा अच्छा नहीं मैं समझ गई, 3:9 तो 1:3 ठीक है सर। बच्चा आप बताओ यहाँ तक की बात समझ या फिर दुखी हो गए? बोलो बच्चों कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ कुछ? सर दुखी हो गए। सर बिल्कुल अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम अलग ही पढ़ रहे हैं। देखो लेकिन ये जो रेशियो वाला पार्ट है ना ये है एकदम इजी। अब आप सोचो आप अभी तक कर क्या रहे हो, जो भी टर्म कॉमन है उसको इक्वली तो कर रहे हो बस। कल तक सब सही लग रहा था, आज पता नहीं क्या हो गया। आज भी शाम को आपको ठीक लगने लगेगा जब आपको एक टैडी मिलेगा। सर जो कल कंपाउंड इंटरेस्ट कल क्या जो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट करवाए थे उसमें मतलब वर्कशीट में सम में डिवाइड वाले सम में कि वो उसको डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में या थ्री मेंबर्स में डिवाइड किया है वो अब यहाँ से हो गए क्वेश्चन, वो रेशियो का पार्ट है। ओके ठीक है सर। तो बच्चों आप ना फटाफट से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो बस एकदम लास्ट। हमारे पास ये छोटी सी इक्वेशन है और यहां से बताओ आप ए बी सी और डी का रेशियो कितना होगा, करो ट्राई। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, जो भी टर्म कॉमन है उसको इक्वल करना है बस। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। सर ये छोटी सी इक्वेशन नहीं है, एकदम छोटी सी इक्वेशन नहीं है। उमंग देखो सब कुछ याद रखना पड़ता है अगर आपको अपनी जिंदगी में खुशी रखनी है तो। सिवाय एक चीज के, एक चीज कौन सी होगी? द वैल्यू ऑफ एक्स, उसको तो भूलना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम करेक्ट। बताओ बच्चों सब बताओ कितना होगा आंसर, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये जितना आप इसको सोच रहे हो।
16:26:30:35 अब बताओ मैं कैसे करो, बहुत देर बाद आज आपका आंसर सर वही जैसे आपने बताया था ए और बी की पहले वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जैसे 2/9 × 3/1 करके ए रेशो बी आ गया हमारे पास 2:3 और बी रेशो सी आ गया 4:5, सी रेशो डी आ गया 6:7। अब इनको वही इक्वेशन बना के जो उसके पहले पहले वाले नंबर थे उनके रख रख के खाली जगह पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके वेरी गुड। इंदु का आंसर भी देख लो भाई, कोई 2/45 / 1/15 / 1/12 1/14। आपने हार्ड वर्क बहुत अच्छा करा, इतना खतरनाक आंसर। देखो देखो, सबसे पहले आपको यहां से ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आप कैसे करोगे, यहां से ए और बी का रेशियो कितना आएगा, 2:3। बात समझ आई बच्चों, ए और बी का रेशियो होगा 2:3। अब सेम ऐसे आप बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करो, बी और सी का रेशियो कितना होगा, 4:5। उसके बाद देखो ये रेशियो है हमारे पास डी और सी का, डी और सी का रेशियो कितना होगा, 7:6। तो इसका मतलब सी और डी का रेशियो कितना होगा, 6:7। अब तो ये क्वेश्चन वही बन गया स्टार्टिंग वाला, ए बी सी और डी, ए और बी का रेशियो है 2:3। उसके बाद बी और सी का रेशियो है 4:5। उसके बाद सी और डी का रेशियो गिवन है 6:7। अब तो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने स्टार्टिंग में करा था। अब तो बताओ बच्चों आंसर कितना होगा, और इंदु आप अपना मेथड बताओ, आपने इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करा। सर ये मेरा थोड़ा उल्टा पुल्टा आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ। जैसे ए और बी की रेशो मेरी 3:2 आ रही है, और सी और डी बी और सी की मेरी 5:4 आ रही है, उसके बाद बी और सी की 7 और 6, वो तो 6 और 7 ही आ रही है। ए बी और बी से कुछ तो सही है ना, कम से कम देखो। हाँ कुछ तो सही है। तो अब आप एक बात बताओ हिमांशी, जिस टाइप से आपके 6 और 7 आए उसी टाइप से आपके 2 और 3 नहीं आए क्या। हाँ मतलब वैसे ही निकालने हैं, पर पता नहीं अभी क्या गलती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ ए रेशियो बी कितना होगा, 2:3। ए और बी का रेशियो 2:3 तो है यहाँ पर। हाँ सर पहले आपने सिंपलीफाई कर लिया है। हाँ बिल्कुल, हमने ना इसको एक ए और बी के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अगर ए की वैल्यू है 2 तो बी की वैल्यू होगी 3। ऐसे हमने सबको अलग अलग फाइंड आउट कर लिया, तो हमारी टर्म्स इस टाइप से आ गई। अब जो भी कॉमन है उसको इक्वल करना है, और ये इक्वल करना तो स्टार्टिंग में समझाया था आपको। यस सर आ गया समझ में। ठीक है सर। इंद्रो का आंसर बड़ा खतरनाक था भाई, कुछ भी बोलो। देखो हमारे पास कितना होगा, 16:72 ये होगा 32।
32 रेशियो कितना होगा? बच्चों कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सर जी 6 आएगा 4 की जगह। बच्चों तुम इतने आलसी हो, अगर मैं कुछ गलत लिख देता हूँ तो तब बोलते हो, जब मैं खुद से पूछता हूँ कुछ गलत हो गया क्या बच्चों? नहीं सर मैं ये देख रहा आंसर 32 कहाँ से आ रहा आपका? ये कितना होगा? 48 यस। ये कितना होगा? 72 और ये होगा 90 और लास्ट में होगा 105। अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 16:24:30:35। अब लग रहा है कुछ मैंने ठीक किया भाई लास्ट। बताओ बच्चों यहाँ तक की बात समझ आई आपको? देखो रेशियो में ना बस आपको इतना ही समझना है, इसके बाद तो अब हम चैप्टर करेंगे तब समझ आएगा। आप ना इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ये जो रेशियोज हमने फाइंड आउट करे हैं बस, क्योंकि अब हमारी पूरी रेशियो की क्लास इसी रेशियो पर बेस होगी। ओके बच्चों? तो सर क्वेश्चन में भी ऐसे इक्वल करते करेंगे मतलब? बिल्कुल, देखो क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन होगा, ए रेशियो बी है 2 और 3, बी रेशियो सी है 3 और 4, ए बी और सी की टोटल इनकम कुछ गिवन होगी, तो इसमें से ए की वैल्यू बताओ कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। तो जितना भी ए बी और सी का रेशियो होगा उस टोटल अमाउंट को उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओके सर। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, बाय बाय। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इसका रिवाइज करना। थैंक यू सर। वेलकम। जो भी टर्म कॉमन है बस उसको इक्वल करा है, तो इसको थोड़ा सा रीड करना। ओके बच्चों बाय बाय।